गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है टैबूज। दोस्तों टैबूज होता क्या है, अगर हम बात करेंगे टैबूज की, और हम इसको दूसरा नाम टैबू कहते हैं। टैबू एक स्ट्रॉन्ग सोशल प्रोहिबिशन है, मतलब जो हम जो वो काम जो हम करेंगे और कोई एक्शन, कोई हमारे वर्ड्स जिनको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करती है, और उनको अगर हम उस बिलीफ को जो वो टैबू एज ए बिलीफ माना जाता है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है जिसको हमारी सोसाइटी बैन करती है, तो अगर हम उसको ब्रेक करते तो हम क्या कंसिडर किए जाते हैं एज ए ऑफेंसिव और ऑब्जेक्शनेबल बाय द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि इन मुस्लिम कम्युनिटीज़, हिंदू कम्युनिटीज़ एंड सिख कम्युनिटीज़, व्हाट वुड यू सी, आप क्या देखेंगे, मुसलमानों को बैन किया जाता है कि वो पॉर्क ना खाए, और हिंदूज को बैन किया जाता है कि वो बीफ ना खाए, और इन सिख कम्युनिटीज़ वो नहीं, उनको बैन किया जाता है वो स्मोकिंग ना करें। तो ये हमने देखा इन तीन कम्युनिटीज़ क्या क्या हमारे टैबूज पाए जाते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं टैबूज इन डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री में कौन से वो टैबूज है जिनको हमारी सोसाइटी और ग्रुप ऑफ पीपल और हमारा कल्चर बैन करता है। हम पहली बार देखेंगे आधे हमारे मतलब लोग ऐसे होते हैं जिनको एक वो जिनको ज़रूरत होती है दांत एक्सट्रैक्ट करने की, तो वो क्या करते हैं, उनका ये मानना होता है कि अगर हम दांत एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगर हम टूथ एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारे क्या को आई साइट हमारी जो चली जाएगी, तो इसकी वजह से वो बिल्कुल भी अपना एक्सट्रैक्शन कराते नहीं है, चाहे उनके दांत में कुछ भी प्रॉब्लम हो वो बिल्कुल एक्सट्रैक्शन नहीं कराते। दूसरा चीज़ हम क्या देखते हैं, जब हमारे बच्चों में फिजियोलॉजिकल प्राइमरी टीथ जो हमारे होते हैं तो वो शेड होते हैं, तो उनको हमारी सोसाइटी और ग्रुप ऑफ कल्चर और कल्चर ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल ये कहते हैं कि अपने दांत को तुम किसी बड़े पत्थर के नीचे रख दो या रेड होल में डाल दो, उससे क्या होगा, ये हमारा बिलीफ होता है, ये उससे ये होगा तुम्हारा टीथ जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो परमानेंट टीथ होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और वो क्या होगा, ज़्यादा शार्प होगा। तो ऐसा एक टैबू है एक हमारी डेंटिस्ट्री में। और दूसरा एक बात करते हैं एक टैबू की, अगर हम लोग ज़्यादातर सोसाइटी मैंने देखा है, अगर हम आप स्केलिंग कराते हो मतलब दांतों की सफाई कराते हो तो आपके दांत जो है लूज होंगे, ये भी एक टैबू है हमारे डेंटिस्ट्री में। और हम एक वन ऑफ द सरप्राइजिंग टैबू वन इन द डेंटिस्ट्रीज द पीपल इन द पीपल ऑफ जैन कम्युनिटी इन द नॉर्थ इंडिया, वो क्या करते हैं, उनका यही मानना है कि अगर हम उनका वो टैगिंग एंड इंजेक्शन टैगिंग इंजेक्शन एज एन टैबू, तो वो इस हद तक गुजर जाते हैं कि वो दांतों की एक्सट्रैक्शन कराते हैं विदाउट एल ए, इज नॉट ए जोक, दे वो इतना बर्दाश्त करते हैं अपनी इस स्ट्रॉन्ग बिलीफ की वजह से कि वो दांत एक्सट्रैक्ट कराते हैं विदाउट एल ए। और हमारा एक ये भी बिलीफ टैबू होता है कि जब बच्चे हमें बार्न होते विद नियोनेटल टीथ, नियोनेटल टीथ वो टीथ होता है जो बर्थ के इन द टाइम ऑफ बर्थ जो प्रेजेंट होता है बच्चों में, उसको हम नियोनेटल टीथ कहते हैं। और हमारा एक सोसाइटी में ये बिलीफ है, उसको टैगिंग एज ए टैबू माना जाता है, क्योंकि ये निशानी है टू डेंजर टू द ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब ये मतलब अगर बच्चे में नियोनेटल दांत है, बच्चे जब बर्थ हुआ तो उसके दांत उसके मुंह में दांत प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है हमारे जो इसके बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स है उनको डेंजर है, मतलब वो जाने वाले हैं इस दुनिया से। इट वॉज ऑल अबाउट द टैबूज इन नॉर्मल लाइफ और इन डेंटिस्ट्री। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आई होगी, और मुझे उम्मीद है आप आज के लिए क्या जिंदगी भर के लिए इसको नहीं भूलेंगे। तो मेरा वीडियो के देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, कि हम लेके